गाइस जी, मैं आज कुछ अलग तरीके के परांठे बनाने जा रही हूँ। इसको आप सोयाबीन का परांठा भी बोल सकते हैं, मिक्स परांठा भी बोल सकते हैं। मैंने कुछ सोयाबीन को भिगो लिया था थोड़ी देर, और हम इसको थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लेंगे और स्क्वीज करके हम इसको अच्छी तरह निचोड़ कर पानी निकाल कर हम मिक्सी में कर लेंगे ग्रेट। पानी नहीं डालेंगे और ये इजिली ग्रेट हो जाती है। एक चम्मच मैंने ले लिया है बड़ा तेल, और हमने इसमें डाल लिया जीरा और हींग, और इसमें हम डाल लेंगे एक बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, और हम इसके बाद इसको अच्छी तरह रखने कर लेंगे मिक्स। और इसके साथ ही हमने डाल लिया फूल गोभी और थोड़ी सी गोभी पड़ी थी, और उसे हमने अच्छी तरह पानी में बॉईल करने के बाद हमने गोभी और प्याज को मिक्स कर लेंगे। और इससे हम इसके बाद हम डालेंगे जो हमने सोयाबीन ग्रेट की थी, और सोयाबीन को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सोयाबीन का कच्चा पन निकल जाए और बच्चों इसलिए खा भी लें। और इसके बाद हम एक दो तीन बड़े आलू ले लेंगे। तीन आलू लिए थे मैंने बड़े, आप चाहें तो आलू के अपने हिसाब से कर सकते हैं कम या ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को फ्लेवर कम पसंद आता है। तो मैंने आलू की बॉइलिंग की है, और पराठे हमारे इजीली और सॉफ्ट बन जाते हैं इससे। और हमने इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। उसके बाद हम कुछ मसाले डालेंगे, जो नॉर्मल हम परांठे में मसाले डालते हैं, मसालों को भी हम ऊपर ही मिक्स कर लेंगे ताकि वो पानी ना छोड़े और परांठे हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाएँ और इजीली फीलिंग अच्छी तरह हो जाए। मैंने थोड़ी सी पिंच एक हल्दी भी डाल लिया, और नमक, अजवाइन और काली मिर्च का पाउडर डाल लिया। आप चाहे तो ग्रीन चिली, प्याज और लहसुन वगैरह, अदरक वगैरह डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह कर लिया मिक्स, और हमने भर लिए हैं परांठों में फीलिंग अच्छी तरह। और ये देखिए हमारे भरवा परांठे तैयार हैं। बच्चों ने भी इंजॉय किया, और आप भी करें इंजॉय। ऐसे परांठे ज़रूर एक बार ट्राई करें, और लाइक और शेयर कमेंट करना न भूलें। मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बाय।